इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कुवैत में फार्म हाउस में काम करने वाले लोग कैसे रहते हैं, तो वीडियो लास्ट तक जरूर। तो आज का मौसम तो देख सकते हैं दोस्तों, काफी सुहाना हो रखा है। और क्योंकि कल रात को बारिश हुई थी, हम आ रहे थे मसीला उस समय से, ठीक है ना। तो मौसम तो काफ़ी ठीक है। और आज मैंने बोवा का माइक लगा दिया। पिछली बार मैंने माइक दूसरा यूज़ किया था, 100 रुपये का लोकल माइक यूज़ किया था, उससे वीडियो के वॉइस क्वालिटी की पूरी की ऐसी की तैसी हो गई थी। क्यों, वो लेफ्ट साउंड ही दे रहा था, राइट साउंड और लेफ्ट साउंड बराबर नहीं दे रहा था, इस वजह से। और यार ये पता नहीं, मेरी बाइक चलते चलते बंद हो जाती है यार, कोई ऐसा प्रॉब्लम क्या है, मेजर प्रॉब्लम किसी को पता हो तो बताना। क्योंकि ये चलती है ना, चलती चलती ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, फिर स्टार्ट नहीं होती। और जब चाबी ऑन ऑफ करके, ऑफ करके ऑन करके फिर सेल मार देते स्टार्ट हो जाती, पता नहीं क्या है। तो ये रोड थोड़ी टूटी हुई ज़्यादा है, क्योंकि मेरे को इधर जाना थोड़ा दोस्त के पास में, तो इस वजह से इधर से निकल जाते हैं। आज थर्सडे है ना, तो शाम को सभी कुवैती लोग आएंगे अपने अपने फार्म हाउस में, शाम को इधर सब लोग रहेंगे। इधर दोस्त है हमारा, दोस्त से ही थोड़ा हाय हेलो बोल देते हैं। दलपत सिंह नाम के है, बाड़मेर के है, शरीर के हट्टे कट्टे हैं। पहले पहलवानी करते थे ये, अभी पहलवानी छोड़ दी, क्योंकि इन्होंने 5 आदमियों को एक साथ में मार दिया था। अभी उनको देखाऊंगा तो आप देखोगे तो सही में बोलोगे वास्तव में बंदा है यार। अभी इधर कुवैत में आ गया दलपत सिंह लापू में रहा, इन्होंने पहलवानी में 9 आदमियों को एक साथ में मार दिया था। अभी वो आदमी इनको ढूंढते घूम रहा है, इसलिए ये भाग के इधर आके चुप गया बंदा। राम सिंह के तू मदा, राम सिंह आपको इधर काम कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कितना साल हो गया इधर? मेरे को हो गया इधर 5 साल हो गए लगभग। तो इधर काम प्रॉब्लम आती है कि नहीं आती आपको? प्रॉब्लम थोड़ा थोड़ा आता है, ज़्यादा नहीं आता है। झाड़ वाड़ काटना है, घास है, ये पूरा पूरा ये इधर मुदीर है आम सिंह। आम सिंह कितनी सैलरी पड़ती है यहाँ पर आपकी? लगभग 150 दिनार। लगभग 150 दिनार। गाँव कितना भेजा अभी आने के बाद में? 3 लाख। फिर भी कैसा चाहिए, शर्मा गया अभी तक, शर्मा रहा है बच्चा। के तू मदार मुखिया है, कौन बात है? इराक बॉर्डर पे इनकी ड्यूटी है। कौन सी ड्यूटी में आप रहते हैं? नाइट ड्यूटी में, क्योंकि आप पहले ही 9 पहलवानों को गांव में पीट के आए, कई दिन में आ जाए ना यहाँ पर। अरे कहीं ठाको पड़े तो धन ठा है जन। तुम्हारे मन में यही क्यों आता है कि कोई पीटेगा तो पकड़ा जाएगा? तुम्हारे को यहाँ कोई ज़्यादा पीटता है क्या? तो भाई मस्त मजाक हो गई ज़्यादा, अभी निकलते हैं। अपने को जाना है यहाँ पर 35 किलोमीटर जाना है, 35 किलोमीटर आना है, तो लेट हो जाएंगे, तो थोड़ा बाइक को स्पीड में चलाना पड़ेगा। पता नहीं स्पीड में ये बोवा का माइक कैसा रिकॉर्ड करेगा, देखते हैं। आज थोड़ा शॉर्टकट ही जाएंगे, क्योंकि लेट ज़्यादा हो गया, गप्पे ज़्यादा मार दी। इधर आया था ये बाइक रिचार्ज करना था, हमारे उधर राजस्थान का ही बंदा आया, तो बेचारे का रिचार्ज ख़त्म हो गया। अभी बोला पेमेंट आएगा नहीं, और मेरे यहाँ रिचार्ज करवा दे, तो मेरे पास पैसे थे उसको दिए रिचार्ज करवाया, वो बोला पेमेंट आएगा तो मैं दे देगा तेरे को वापस। तो अभी निकलेंगे यहाँ से, यहाँ पर राजस्थान के बहुत बंदे रहते हैं सब, ज़्यादातर यहाँ पर घोड़ों में रहते हैं, मजरे के अंदर इतने नहीं रहते हैं, ठीक है ना, घोड़ों में सबसे ज़्यादा रहते हैं। ये यहाँ से शॉर्टकट
उधर से घूम के आएंगे तो अपने को 6-5 किलोमीटर जाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ से शॉर्टकट अपने को रोड मिल जाएंगे, क्योंकि मेरे पास बाइक है ना, मैं इधर उधर से शॉर्टकट ही ज़्यादा निकलता हूँ। बड़ी गाड़ी रहती तो हर कोई शॉर्टकट में डालता नहीं है, आगे रास्ता साफ मिलेगा या नहीं मिलेगा अपने को क्या है, जहाँ मौका मिला वहाँ पर घुसा देते हैं। ओ तेरी, अभी देखो साफ सफाई सबकी चल रही है इधर आज, क्योंकि आज सभी यहाँ पर ज़्यादातर थर्सडे को आते हैं, वो वेनसडे को भी आ जाते हैं, थर्सडे को भी आ जाते हैं, थर्सडे को कन्फर्म सभी आ जाते हैं शाम को, जितने भी जिस जिस के जो ऑनर है, जैसे सेठ है, कुवैती बोलो, वो सब थर्सडे को आ जाते हैं। और कोई बड़ा बिजनेसमैन रहता ना, वो आता है एक हफ्ता ऐसे ही रुकता है, 2-4 महीने 10 महीने नहीं आता वापस। बंदे को 17 साल के बाद जो कोई ना कोई जॉब मिल जाती है, ठीक है ना, तो वहाँ पर अरबी को ज़्यादा महत्व देते हैं, इंग्लिश वगैरह को इतना महत्व नहीं देते। अभी तो युवा है जो इंग्लिश बोलते हैं, पहले इतनी इंग्लिश आती नहीं। अभी जैसे पुराना कुवैती है ना, कोई बड़ा बिजनेसमैन है या तो उसको इंग्लिश आती है, बाकी ओनली फॉर अरबी। तो अरबी को यहाँ पर महत्व ज़्यादा देते हैं अपनी भाषा को। और यहाँ पर आप आओगे, कितना भी बड़ा कुवैती है उसको इंग्लिश आती, फिर भी वो आपसे अरबी में बात करेगा, ठीक है ना। तो ये बात इनकी मेरे को बहुत अच्छी लगी यार, अपनी मातृभाषा को योगदान देना चाहिए। ये देख सकते हैं, ये पूरा बना हुआ है, इसके अंदर पूरा सब्जी लगाई हुई है, इसके अंदर टेम्परेचर रहता है 13 डिग्री, ठीक है ना। वाटर कूलिंग सिस्टम लगा हुआ, कूलर लगा हुआ, वाटर कूलर। तो यहाँ पर देख सकते हैं लगभग इसके अंदर 40 से 45 आदमी काम करते होंगे। तो ये सब्जी के जो रहते हैं ना खेत, वो इस प्रकार रहते हैं। सब्जी के खेत के अंदर काम करने के लिए ज़्यादा गर्मी में खड़ा रहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हाई टेम्परेचर में इधर सब्जी होती नहीं है। और यहाँ के जो सैलरी है, सैलरी की बात करो तो इंडिया का 18,000 से स्टार्ट है। 18,000 में सबसे ज़्यादा आते हैं यूपी के बंदे, यूपी और बिहार के। और राजस्थान का बंदा आप कहाँ पर भी जाओ, स्टार्टिंग में 30,000 लगेगा, 30 से स्टार्टिंग है। और कोई अच्छा पैसा भी कमाते हैं। और यूपी बिहार के ज़्यादातर बंदे हैं ना, वो अपने आएंगे यहाँ पर 20,000 में आएंगे ना, तो मेरे को नहीं, अभी तक इतना नहीं मिला, पर 100 में से 5% बंदे हैं वही धीरे धीरे करके पेमेंट बढ़ जाती है, उनके भी कोई इतनी अच्छा हो तो, नहीं तो वो पेमेंट में ही बैठे रहते हैं, ठीक है। ये भाई देखो घास लेके आया, वो पेमेंट में ही बैठे रहते हैं, आगे अपने पेमेंट बढ़ाने की नहीं सोचते। राजस्थानी बंदा जब भी होगा, जब भी मौका मिलेगा, उस समय अपनी पेमेंट बढ़ाने की बात करेगा। अभी देखो ये कुवैती आया है, ये बंदा आया अभी, ठीक है ना। ये देखो आज इस पर ट्रैफिक मिलेगा आपको, नहीं तो रोज इतना ट्रैफिक नहीं मिलता। और ये ऊँट है, इधर हमारे राजस्थान का एक बंदा रहता है जोधपुर जिले का ही, इस गार्डन के अंदर इधर घोड़े भी है। तो ये बात है, तो यूपी बिहार वालों से, यूपी बिहार का बंदा कोई भी मेरा वीडियो देख रहा है तो उसको बोलता हूँ, भाई तुम कम पेमेंट में कोई बंदे को यार मत बुलाओ इधर। और इधर बंदा जो रहता है उसको रूल एंड रेगुलेशन पता ही है, इधर क्या कुवैती क्या क्या काम करवाते हैं। जिसकी कम तनख्वाह होगी उससे ज़्यादा काम रहेगा, जिसकी कम तनख्वाह होगी, अबे भाई पीछे तो सामान है यार, तो बोले बैठूंगा किधर बैठेगा, मेरे पीछे सामान है यार, बाकी बेचारों की हेल्प करनी चाहिए यार किसी की भी हो। मेरे पास दूसरी गाड़ी रहती ना तो मैं हेल्प ज़रूर करता इसके, तो मेरे बाइक कभी खाली रहती ना तो मैं हर किसी एक बंदे को बैठा के लेके जाता हूँ। और ये यहाँ पे अब्दुल्ली का
पावर हाउस है इलेक्ट्रिक का, ठीक है ना। ये इधर सब ऑटोमेटिक सिस्टम, इसके ऊपर आदमी काम नहीं करता है, ठीक है ना, पूरा ऑटोमेटिक है। अपने उधर बिजली घर के अंदर इतना बड़ा एरिया का बिजली पावर हाउस होगा ना, तो वहाँ पे कम से कम 15 बंदे काम करेंगे, इधर वो नहीं है, ठीक है ना। और मैं था ना उस समय इधर पूरा एकदम बंजर था, अभी पूरा हर जगह कवर कर लिया है, क्योंकि अभी यहाँ पर भी जनसंख्या बढ़ रही है। यहाँ पर कुवैत के अंदर आने वाले 20 साल के अंदर इतनी जनसंख्या हो जाएगी कि कुवैत को खुद को बाहर कमाना पड़ेगा, बंदों को बाहर जाना पड़ेगा। तो पहले जनसंख्या कम थी, अभी जनसंख्या बढ़ने लग गई। ठीक ना हो जाए कुछ लगा रहे झाड़ वगैरह। ये देखो ट्रक फोर देखो ये है अंदर भाई की रसोई है। अच्छा तो खा के मस्त है, सब भर भर अभी सब खाना खाना खाएंगे फिर निकलेंगे यहाँ से। अब है कहाँ से? बांग्लादेश से। ये बांग्लादेश का बाहर यहाँ पर कुएं तुम देख सकते हैं, इस प्रकार खाना पकता है, इसके अंदर मटन बन रहा है और ठीक है, इस प्रकार की रसोई रहती है। ये भाई हमारे यूपी के है, अनवर भाई नाम है इनका, और इनके पास आया था, ये हमारे दोस्त है, तो गपशप लगाएंगे। और ये बोल रहे खाना खा के जाओ, गपशप मारा तो ये बोला हमारा खाना बना हुआ है, खाना खा के जाओ, खाना चेक करके जाओ। तो हमारे राजस्थान में बोलते हैं खाने के लिए बोलते हैं, तो उसको कभी मना नहीं करना चाहिए, खाने का अपमान होता है, तो थोड़ा खा लेते हैं। और वैसे अनवर भाई और ये खाना खाते हैं ना, ये थोड़ा तीखा कम खाते हैं और हम थोड़ा तीखा ज़्यादा खाते थे। अनवर भाई को पहले बताया तो अनवर भाई बोला ऊपर से लाल मिर्च डाल देना, कोई बात नहीं है। तो हमने बोला ओके कोई बात नहीं है। तो अगर आप भी कुवैत माना चाहते हैं तो इस प्रकार यहाँ पर रहन सहन है, आप देख लो। ज़्यादा VIP नहीं है, ठीका ठीक है, ज़्यादा VIP में भी नहीं है, ज़्यादा ठीका ठीक में, वो तो आप रहते हो साफ सफाई आपके ऊपर है। तो यहाँ पर ये ज़्यादा बंदे रहते हैं, थोड़ी साफ सफाई नहीं होती है, क्योंकि वो सोचता वो कर देगा, वो सोचता ये कर देगा, ऐसा रहता है। पर बंदा दिल का अच्छा है अनवर भाई भी। ये तेज खाते है कि नहीं खाते? वो टमाटर सॉस है तुम्हारे पास लाल वाला? टमाटर सॉस नहीं है, लाल मिर्ची वाला नहीं डालते? आप लोग ऊपर से खाते हैं उसको? हाँ यार, टमाटर सॉस कभी कभी लेके आता है, नहीं तो अभी खाना नीचे चिपक गया था क्या? हाँ खाना लगता है चिपक गया है, पानी पानी लग रहा है। नहीं वो चिपक जाता ना, कड़वा वो आता है खाने में, कड़वाहट। हम क्या ज्यादा चपाती खाते हैं, तुम लोग चावल ज्यादा खाते हैं? हम दो टाइम चपाती खाता है, इसमें बनाते हैं कोठी के लिए सुबह रोटी, हम रात में खबूस खाता हूँ। और लेबन वगैरह नहीं ले जाते? लेबन नहीं। तुम्हारे इधर बकरी नहीं है? बकरी बकरी है ना, तो बकरी की यार लेबन बना देना चाहिए तुम्हारे। वो कोई चीज लेके जाता है दूध कभी कभी, बाकी तुम्हारे को देसी आदमी हो। तुम बकरी का दूध नहीं खाते? खाता हूँ। तो फिर क्या लेबन बनानी चाहिए? राजस्थानी तो दो टाइम खाना ही खाता है घर में, बस दोनों टाइम रोटी है। इधर दो टाइम खाते हैं, तीन टाइम आप
इधर दो टाइम तीन टाइम सवेरे नाश्ता करते हैं। नाश्ता करते हैं सवेरे सवेरे हम 4 बजे उठते हैं घोड़ो काम में, तो फिर नाश्ता वास्ता करके उसके बाद निकलते हैं किधर भी। हैं हम तेज बहुत ज़्यादा खाते हैं, ये देखो फीका है मिर्ची ना, अभी ऊपर से नहीं डालेगा। मिर्ची चाहिए तो देता हूँ, हरा वाला है, हरा वाला दे देता हूँ। चलो मुश्किल नहीं, चाहिए। देखो अनवर भाई ने खाना बहुत अच्छा बनाया, थोड़ा अभी खाना ना खा लिया, अभी निकलेंगे यहाँ से, बाइक उधर खड़ी है। तो थैंक यू अनवर भाई, थोड़ी सी मिर्ची कम थी, हम थोड़ी राजस्थानी मिर्ची ज़्यादा खाते हैं ना।